रात का टाइम हो और कोई सब्जी बनाने का मन ना करे तो इसके लिए रेसिपी एकदम परफेक्ट है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और खाने में एकदम लाजवाब है फ्रेंड्स। इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि सब आपकी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस मज़ेदार टेस्टी रेसिपी को फ्रेंड्स। मेजबान वेज पनीर भुर्जी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। चाहे आप नान के साथ खाइए इसको या आप खाइए चपाती के साथ में, हर तरह से एकदम परफेक्ट है ये। और टिफिन में ले जाइए जब भी आपके पास समय कम हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला, प्रमिला की रेसिपी में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और मजेदार रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी करे अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। थ्री स्पून हमने ले लिया ऑयल, टू स्पून ऐड करेंगे इसमें हम गार्लिक बटर, ये सॉल्टेड बटर है, आप चाहें तो यहाँ नॉर्मल बटर भी यूज कर सकते हैं। दो प्याज लिया है जिसको हमने चॉप कर लिया है मीडियम साइज में, ना ही ज़्यादा रख ली है और ना ही इसमें ज़्यादा बारीक चॉप किया है हमने इसको। गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसको हम क्रंची ही रखना है प्याज को, हल्का गुलाबी करना है और कुछ बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। गार्लिक बटर का टेस्ट नॉर्मल बटर से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, इसमें जो भी आप बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़्यादातर तो क्या होता है हम नॉर्मल बटर ही यूज़ करते हैं, जिससे आज हमने गार्लिक सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है। इसमें प्याज को भूनते हुए एक मिनट हो चुका है, तो इसमें हमने बारीक चॉप किया हुआ यहाँ पर गाजर ले लिया है, जिससे हमारी गाजर के साथ ही हमारी कैरेट भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसमें हम ऐड कर देंगे सॉल्ट, प्याज और जो गाजर है दोनों अच्छे से इसमें कुक हो जाएंगी। गैस की फ्लेम को हम मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं। जब प्याज और हमारी गाजर अच्छे से कुक हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो, आपको पसंद हो तो इसमें आप काट के भी बारी बारी चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं जिंजर को, लेकिन वो आपको अनियन के साथ करना पड़ेगा गाजर डालने से, यानी कि पहले इतना इसको हमें भूनना है कि इसकी स्मेल निकल जाए। गैस की फ्लेम को लो फ्लेम पे रखेंगे। 1/4 स्पून हल्दी पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया हमने और 1 स्पून यहाँ पर लिया हमने पाव भाजी मसाला ऐड करा है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। जब भी आपका सब्जी बनाने का मन ना करे ये वेज पनीर भुर्जी आप जरूर बनाइए, क्योंकि कई बार ये होता है हमारा डिनर में या लंच में हमारा सब्जी बनाने का मन नहीं करता है, तो आप ये बनाइए, सब्जी से भी ज़्यादा कई बार टेस्टी लगती है और बच्चे हर बार सब्जी खाना तो पसंद नहीं करते हैं, और सबसे अच्छी बात है हमारे लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है। 30 सेकेंड के लिए हमारा मसाला भुन चुका है, अच्छी सी खुशबू इसमें आने लगी है। अब इसमें डाल देंगे हम 3 टमाटर प्योरी, हमने मीडियम साइज के 3 टमाटर लिया था, बस उसको मिक्सी में ग्राइंड किया और सिंपल प्योरी इसकी टमाटर की हमने बना दी है। अब 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे जब तक इसमें ऑयल रिलीज ना हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमने अच्छे से पका लिया, सभी मसाले हमारे टमाटर प्योरी के साथ में अच्छे से पक चुके हैं। 1/2 कप बॉयल मटर यहाँ लिया हमने, आप चाहें तो यहाँ पर फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी थोड़े से पके हुए यानी कि कुक होते हैं। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर प्योरी के साथ में अच्छे से इसको पका लेंगे, जिससे और भी अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। आप अपनी पसंद की इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप फूलगोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी है शेजवान वेज पनीर भुर्जी, तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं शेजवान सॉस 2 स्पून, एक बार आप इसको जरूर बनाइए डिनर या लंच में। 1/2 कप डालेंगे इसमें हम पानी, क्योंकि एकदम ड्राई नहीं बनानी है हमें ये। अब इसको हम कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। मसाले को आप जितना लो फ्लेम पर अच्छे से कुक करेंगे ये उतना ही बढ़िया आपको कलर भी देता है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, और उतना अच्छा इसमें टेस्ट भी आता है। तो अब चेक कर लेते हैं, बहुत
काफी बढ़िया एकदम शानदार। अब इसमें आप चाहे तो इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर शेजवान सॉस इस्तेमाल करी है। अपने आप में वो खुद ही इतनी स्पाइसी और टेस्टी होती है, तो इसलिए हम गरम मसाला नहीं डालेंगे। इसमें जाएगा हरा धनिया, आप चपाती के साथ में या नान के साथ में ये वेज पनीर भुर्जी आप बना सकते हैं। ग्रेटेड हमने यहाँ पर पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर इसको क्रम्बल भी कर सकते हैं। अब इसको हमें ज्यादा कुक नहीं करना है, ओनली 1 सेकेंड। सॉरी फ्रेंड्स, 1 सेकेंड नहीं, 1 मिनट, हमारा मतलब 1 मिनट इसको कुक करना है। 1 सेकेंड में तो इसका कुछ भी नहीं होगा, जिससे इसमें मसाले अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो जाए। अब 1 स्पून यहाँ पर हम बटर ऐड कर देते हैं, जिससे खाने वाले आपके उंगलियां चाटते रह जाए, हाथ चूम ले, बस आपका इतना यमी यमी टेस्टी टेस्टी क्या क्या कहेंगे आपको, एक बार जरूर बनाइएगा तो मजा आ जाएगा फ्रेंड्स। तो लीजिए, ये तैयार हो चुकी है, अब हम आपके लिए सर्व कर देते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी बेहद ही पसंद आने के साथ साथ में देखने में भी मजा आया होगा फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपनी फैमिली के लिए जरूर बनाइएगा।